तो अरुणाचल में आने का आज दो कारण बताए, एक यूथ जोड़ो और एक बूथ जोड़ो। देश में आज युवाओं की समस्याएं सबसे ज़्यादा बढ़ती बेरोजगारी है, साथ में बढ़ते पेपर लीक्स, साथ में बढ़ती महंगाई है। अगर लोकल मुद्दों की बात करें कि कहीं रोड ठीक नहीं है, कहीं शिक्षा ठीक नहीं है, कहीं स्वास्थ्य केंद्र ठीक नहीं है, तो इन मुद्दों पे चाहे वो इंडियन यूथ कांग्रेस हो, अरुणाचल यूथ कांग्रेस हो, हम युवा का, पब्लिक का आवाज़ बनकर जहाँ प्रोटेस्ट करना होता करते हैं, जहाँ आवेदन देना होता देते हैं, जहाँ संघर्ष करना होता करते हैं, लेकिन लगातार युवा और पब्लिक के मुद्दों को उठाने का काम अरुणाचल यूथ प्रदेश यूथ कांग्रेस करती आई है और आगे भी करेगी, ये विश्वास के साथ आज टीम के साथ मुलाकात होगी। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो। अरुणाचल जैसे यूथ कांग्रेस हो गया, काफी हम लोगों को लगता है कि यूथ कांग्रेस का एक्टिविटीज से कांग्रेस को भी थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट अप मिलता है। तो आप लोग किस नजर से देखते हैं अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस का जो यूथ लोग है किस टाइप से काम कर रहा है, और आप लोग उसको कैसा सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि जब चुनाव का आप बात कर रहे हैं तो चुनाव में यूथ कांग्रेस का भी कोई रोल है क्या? अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस बहुत कठिन परिस्थितियों में बहुत बढ़िया काम कर रही है। इसके लिए मैं प्रेसिडेंट को, जूनी को, उनके सारे टीम मेंबर्स को बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है कि ये काम वो आगे भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से अरुणाचल यूथ कांग्रेस को जो भी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो डिसीशंस में हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, जहाँ तक हो पाए, जितना हो पाए, हम उससे ज़्यादा करने के लिए तैयार हैं। और हमें विश्वास है कि इंडियन यूथ कांग्रेस और अरुणाचल यूथ कांग्रेस मिलकर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अरुणाचल में ही नहीं, देश भर में मजबूत करने का काम करें। चुनाव का कुछ तैयारी है क्या? क्योंकि पूरा तो देश लगता है चुनावी माहौल में ही रंग रहा है लगता है। फिलहाल सबसे ज़्यादा पार्टी का ध्यान, पार्टी की ऊर्जा, पार्टी का समय अभी जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है उस तरफ ज़्यादा है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक तरीके से ये सेमीफाइनल माना जाता है लोकसभा चुनाव से पहले। और मैं हर प्रदेश में जाके आया हूँ और मुझे विश्वास है कि इस बार जनता काम को, सरकार के काम हो या पहले कांग्रेस के काम हो, उसको देख के कांग्रेस पार्टी को दोबारा बहुमत देगी और दोबारा उनको सेवा करने का मौका देगी। रही अरुणाचल की और लोकसभा के चुनाव की तैयारी की बात, मेरे ख्याल से आ जाने का एक उद्देश्य ये भी है कि आने वाले चुनाव में यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका रहनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी रहनी चाहिए, कैसी प्लानिंग रहनी चाहिए, इन सब के बारे में भी चर्चा होगी और आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपका ये बूथ जोड़ो और यूथ जोड़ो में है मेनली, आपका ये जो आने वाले इलेक्शन को लेके आप लोग ये टारगेट कर रहे हैं ना ऐसे जस्ट पार्टी को मजबूत करने? दोनों पार्टी को मजबूत किए बिना चुनाव जीतना मुश्किल है और चुनाव जीते बिना पार्टी को मजबूत करना मुश्किल है। तो ये लगातार चलते आते हैं कार्यक्रम। चुनाव के टाइम पे हम ज़्यादा इंटेंसली चुनावी तैयारी पे फोकस करते हैं। और अरुणाचल में भी मेरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत ताकत मिलेगी, सिस्टमैटिक तरीके से मिलेगी, जोशीले तरीके से मिलेगी और जितना हमसे हो पाए उससे कई गुना ज़्यादा हम
पार्टी के लिए और अरुणाचल के पब्लिक और युवा के लिए करने के लिए तैयार है। आज आप एयरपोर्ट से आकर के आपका युवा लोगों को आपने मुलाकात किया, डिस्कस किया, क्या लगा, प्रोस्पेक्ट कैसा है, पार्टी का एक्टिविटीज कैसा चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में? पार्टी जिस तरह से अरुणाचल में है, कठिन परिस्थितियां हैं लेकिन पार्टी बहुत मजबूत है, एक कोर है। कोई भी जंग जीतने के लिए जब तक कोर मजबूत है तब तक जंग जीता नहीं जा सकता। अरुणाचल में कांग्रेस पार्टी का कोर आज मजबूत है। लोगों से, यहाँ के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करके, और पहले भी जब मैं आया था मैं थोड़ा समझ चुका हूँ, अरुणाचल के पब्लिक के मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत प्रेम है, गर्व है। और ये जो चुनाव है हम जीतने के लिए लड़ने वाले हैं, जीतेंगे कि नहीं वो पब्लिक तय करेगी, लेकिन चाहे वो खेल हो, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो जंग हो, लड़ाई जीतने के लिए लड़ते हैं और उसी भावना के साथ और अरुणाचल के पब्लिक के प्रेम पे भरोसा रखकर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीतने के लिए लड़ने वाली है। तो सर, सुनने में आया कि यहाँ पर जब अरुणाचल का आने का मोटिव जो है, आप वुमेन को जो है आप जो आगे बढ़ाना है, तो आपकी तरफ से किस तरह से करेंगे इसको? वुमेन जो यहाँ पर आप लोग का इस प्रोग्राम के द्वारा से कैसे वुमेन लोग बेनिफिट मिल सकते हैं? इंडियन यूथ कांग्रेस में कांग्रेस प्रेसिडेंट और कांग्रेस परंपरा में जो वुमेन को ज़्यादा हक और हिस्सेदारी देने वाली बात है, इंडियन यूथ कांग्रेस इस काम को बहुत ताकत से आगे बढ़ा रही है। हमारे नेशनल बॉडी में पिछले 3 साल से महिला कम से कम 33% हैं और ये शायद हिंदुस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल कमेटी में नहीं। नेशनल कमेटी में 33% महिलाएं हैं, उसको नीचे कैसे लेके जाना है, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, इसके लिए यूथ कांग्रेस ने 2 कार्यक्रम तय किए। एक है शक्ति सुपर शी, जिससे महिलाओं को यूथ कांग्रेस से जुड़ने में आसानी हो और जुड़ने के बाद उनके मुद्दे, उनके इंटरेस्ट से राजनीति का तरीका करने का माध्यम हो। और उसके साथ में हमने इंदिरा फेलोशिप्स करके एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके द्वारा जो ग्रासरूट वुमेन यूथ लीडर्स हैं, जिनमें पोटेंशियल है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें ड्राइव है कि राजनीति में वो पब्लिक के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको आगे बढ़ाने का भी हमने एक मुहिम स्टार्ट किया है। तो इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा हम बाकी प्रदेशों में भी कर रहे हैं और अरुणाचल के जितने मैंने विमेन ऑफिस बेयरर्स और विमेन कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो बैंगलोर में हमारे कार्यक्रम नेशनल कन्वेंशन में हो, चाहे दिल्ली में हो, मुझे बहुत पोटेंशियल दिखती है और मुझे विश्वास है कि अरुणाचल में जो शक्ति सुपर शी और इंदिरा फेलोशिप का कार्यक्रम इंडियन यूथ कांग्रेस लेके आई है, ये बहुत मजबूती से प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और नीचे गांव और बस्ती तक जाएगी और यूथ कांग्रेस, अरुणाचल यूथ कांग्रेस में 33% तो क्या मुझे विश्वास है या भरोसा है या इच्छा है कि कम से कम 50% महिला आने वाले सालों में आए। तो सर, आपने बोला कि अरुणाचल का में आने का जो आप जो कांग्रेस टीम को ऑब्जर्वेशन करना है बोलकर आया है, वो कैसे सुनने में आ रहा है, तो आपका 1-2-3 घंटा का अंदर में आप कैसे करके ऑब्जर्वेशन किया जाएगा यहाँ का, कितना स्ट्रॉन्ग है? हमारा हर स्टेट के साथ मंथली रिव्यू होता है, उसमें प्रेसिडेंट और इंचार्ज अपना रिपोर्ट भेजते हैं, उस पर हम देखते हैं हमारी जो
अप्रिसिएशन होती है, अप्रिसिएशन देते हैं, जो हमें गाइडेंस देना होता है देते हैं। और सिर्फ अरुणाचल नहीं, हर प्रदेश में हमारी कोशिश रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम हम फिज़िकली जाके लोगों से मिलकर, उनसे सुनकर, उनके साथ बैठकर आगे का प्लान करें। तो किसी भी स्टेट को, किसी भी ज़िले को, किसी भी विधानसभा को समझने के लिए 3 घंटे क्या, 3 दिन क्या, 3 महीने भी कम पड़ते। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आज फिज़िकली अरुणाचल में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले हम अरुणाचल के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं या चर्चा नहीं करते हैं या रिपोर्ट नहीं लेते हैं, रिव्यू नहीं करते। ये हर प्रदेश के साथ चलता है। आजकल क्योंकि जूम आ गया है तो काफ़ी काम जूम पे भी हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली हर प्रदेश में हमारा टूरिंग भी रहता है। क्योंकि अभी 6 महीने बाद अभी लोकसभा चुनाव है, अरुणाचल में स्टेट चुनाव है, तो अभी यहाँ पे ज़्यादा आना जाना रहेगा। और मेरे ख्याल से आज के 3 घंटे हों या आगे के 3 महीने हों, अरुणाचल को समझने के लिए पूरी ज़िंदगी भी लग जाए तो शायद कम है। हमारी कोशिश ये रहती है कि टीम के साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा काम बेहतर करें, समझदारी से करें और एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली से हम आए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज। अरुणाचल की राजनीति, अरुणाचल की पब्लिक, अरुणाचल की समस्या, अरुणाचल यूथ कांग्रेस से ज़्यादा हम में से कोई समझ नहीं सकता जो बाहर से है। तो मिलजुल कर जो भी हम करेंगे, हमारी कोशिश ये रहती है कि अरुणाचल के युवा, महिला, बुज़ुर्ग, पब्लिक के लिए जितना हो पाए हम अच्छा करें। आप कांग्रेस पार्टी को बूस्ट करने आया है दिल्ली से, तो यहाँ आपको भी पता होगा कि थोड़ा बहुत पता हो कि यहाँ में बहुत सारा कल्चर चलते हैं, मनी कल्चर, इलेक्शन में मनी कल्चर से और प्लान बेसिस है, बहुत सारा कल्चर। तो इस बार आप लोग का टारगेट क्या है, प्लान क्या है, मतलब किस पे ज़्यादा फोकस करें? यूथ कांग्रेस की तरफ से हमारी कोशिश ये रहती है कि मुद्दों को उठाएं, पब्लिक के बीच में जाएं, पब्लिक को याद दिलाएं कि चुनाव के आसपास लोग अलग अलग तरीके से उनको लुभाने की कोशिश करते हैं। वो एक दिन, दो दिन, दो रात, एक हफ्ता की चांदनी। अच्छी सरकार आप चुनोगे तो आप 5 साल के लिए खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद की बस्ती के लिए, खुद के गांव के लिए, खुद के विधानसभा के लिए, खुद के डिस्ट्रिक्ट के लिए, प्रदेश के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए भी आप सही निर्णय लो। तो हमारी गुजारिश ये रहेगी जनता से कि चुनाव के टाइम पे अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं, आप अपना वोट खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के गांव के लिए और आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए सोच समझ कर कीजिए। ये बात, ये मैसेज हम अरुणाचल के युवा और पब्लिक के बीच में ताकत से ले जाने वाले।